हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये 32 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। इट इज़ अ स्टैचुटरी एंड अ नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी, पहला स्टेटमेंट है। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है। रादर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कि इस्टैब्लिश किया गया था बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मेजर फंक्शन है टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये एक स्टैचुटरी और नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, रादर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। It works as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. The Government of India established the first Law Commission of Independent India in 1955 with the then Attorney General of India M.C. Setalwad as its chairperson. देखिए, ये जो commission होता है इसको establish किया जाता है for a fixed tenure, और ये काम करती है as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. Second statement बिल्कुल सही है। और जो पहला ऐसा commission था उसको establish किया गया था 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले विद रिकमेंडेड कोडिफिकेशन ऑफ द पेनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फाइन। उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लॉ कमीशन्स को इस्टैब्लिश किया गया था 1853, 1861 और 1871 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टैब्लिश किया पहला लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, 1955 में, और किसके अंडर में किया था, तो उस टाइम के जो अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के मिस्टर एम सी सितलवाद, ये चेयरमैन बने इसके। और उसके बाद 21 और भी लॉ कमीशन्स को अपॉइंट किया गया, और सारे के सारे जो लॉ कमीशन्स थे उनका टेन्योर 3 साल का रहा। तो 2020 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 22nd लॉ कमीशन को फॉर्म किया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी, फाइन। तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना कि स्टैचुटरी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ओनली 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स और सर्वेज आर पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन कौन से सर्वे या रिपोर्ट हैं जिनको कि RBI पब्लिश करता है। पहला है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, सेकेंड है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, थर्ड है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फोर्थ है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है, और इसको लॉन्च किया जाता है ऑन सेमी एनुअली बेसिस, ठीक है, सेमी एनुअल बेसिस पे इसको लॉन्च किया जाता है। और इनके जो अदर पब्लिकेशंस हैं उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी आता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड भी आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आता है, इसके अलावा MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी RBI जारी करता है, साथ ही रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये सारी की सारी रिपोर्ट कौन जारी करता है, आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट या ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 1, 2, 3 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, आपको बतानी है कौन कौन सी बातें सही हैं। When power is taken away from central and state governments and given to local government, क्या इसको हम कहते हैं decentralization? तो yes, बिल्कुल सही है definition, कि जो power है उसको central और state government से लेके छोटे level पे यानी कि local government पे बांट दी जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि decentralize हो रही है power एक तरह से, ठीक है। This helps to inculcate a habit of democratic participation, जाहिर सी बात है जब local level तक power जाएगी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक तरह से डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल बनने लगता है। तो यस, इट इनकल्केट्स अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ये भी सही है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है उसके पीछे रीजन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जो कि बेस्ट तरीके से तभी सेटल किए जा सकते हैं जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है उनकी लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स की, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतर तरीके से आपको सजेशन दे सकते हैं। तो इस यही रीज़न है कि उनके पास बेटर आइडियाज़ होते हैं कि कहाँ पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या कैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
इसके अलावा लोकल लेवल पे ये भी पॉसिबल है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें इन डिसीजन मेकिंग, और ये डेफिनेटली इनकलकेट करती है एक हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. और यस, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे जिसमें आप रियलाइज कर सकते हैं वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को, जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हुए हैं रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी इज द राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग अजर्शन एंड रीजन टाइप स्टेटमेंट. यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अजर्शन और रीजन का. चलिए पढ़ते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज द क्रॉप ईल्ड एज हाई एज ट्वाइस और थ्राइस द नॉर्मल क्रॉप ईल्ड. देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं आप उनका जब यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है जो क्रॉप ईल्ड है वो बढ़ जाएगी ट्वाइस और थ्राइस लेवल पे दैन द नॉर्मल क्रॉप ईल्ड. यानी कि नॉर्मली आप जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका टू टाइम्स या थ्री टाइम्स आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो. रीजंस का क्या दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स. तो क्या ये रीजन सही है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, सबसे पहले तो रीजन वाले स्टेटमेंट को हमें चेक करना होगा कि क्या ये रीजन सही है. केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द मिनरल्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो इजिली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और फिर इमीडिएट तरीके पे अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को. तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स मौजूद होते हैं जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं और फिर वो प्लांट्स को आसानी से पहुंच जाते हैं. तो ये जो रीज़न दिया हुआ है अजर्शन का, क्या ये सही है, अब इसको चेक करते हैं. तो ये जो रीज़न है ये डेफिनेटली है जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्रॉप ईल्ड बढ़ने लगती है और ट्वाइस या थ्राइस लेवल पे पहुंच जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ए एंड आर बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट. इंडिविजुअल लेवल पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, देखिए ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली गलती कहाँ होती है, आप ये तो चेक कर लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि आपको जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन चेक करना होता है कि क्या जो रीज़न दिया हुआ है वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है. तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से बारीकी से चेक करिएगा. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अजर्शन और रीज़न का है. कंसीडर द फॉलोइंग अजर्शन एंड रीज़न टाइप स्टेटमेंट. यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं, चलिए इसको चेक करते हैं. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. क्या ये बात सही है कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर अपने बच्चों के. दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स. देखिए, एक बच्चा है, अगर उसके ऊपर एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा किया गया है तो वो फ्यूचर में जाके हाई रिटर्न वापस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं ऑन हिज और हर एजुकेशन. और ये रीज़न सही है कि क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझ लिया होता है या अब तक वो ये बात समझ जाते हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही रीज़न है कि वो कॉन्शियस भी होते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशंस और हाइजीन के लिए. फाइन, तो ये जो रीज़न लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने इस इंपॉर्टेंस को समझ लिया इसीलिए वो ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन पे, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज अगेन द राइट आंसर. तो इस तरह से हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए. आई होप कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को अब इजीली टैकल कर पा रहे होंगे. अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको टैकल करने होंगे. पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे दोनों स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि सही है या फिर नहीं, और उसके बाद ही हमें चेक करना होता है कि क्या रीज़न जो दिया हुआ है वो अजर्शन के लिए अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं. ठीक है, तो इसी तरह से हमने 5 क्वेश्चंस आज भी कवर कर लिए. कल फिर से हम मिलेंगे और अगले 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahid Sana signing off.